हेलो दोस्तों आई होप यू आर डूइंग रियली वेल सो आज के इस वीडियो में वील अंडरस्टैंड वॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल अबाउट इन डिटेल एंड इट इज नॉट समथिंग यू नो जो आपको uh, बहुत ईजीली जानने मिल जाता है सो आई लेट यू कंप्लीट द जर्नी द इंटायर जर्नी दैट हाउ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्क वॉट इज द मेन डिफरेंस वॉट आर द की प्रोफाइल्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो प्रोफाइल में एक्चुअली आप लोग क्या काम करोगे ओवर अ लॉन्ग रन What all are the skills required and what not So just let's dive into this video and enrich ourselves with this knowledge, right? So, what we are gonna cover. We'll first cover what is the basic difference between commercial bank and investment bank. I have seen basis my experience that a lot of students quite confused between commercial bank and investment bank. So, today clarity may. लेके आऊंगा अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट आर द वेरियस फंक्शन एंड फ्लोर्स इन आई बी आपने सुना होगा कि यू नो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डेट का काम भी हो रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डी मर्जर का काम भी हो रहा है आई का काम भी हो रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फ्रंट ऑफिस रोल्स होते हैं मिडिल ऑफिस रोल्स होते हैं बैक ऑफिस रोल्स होते हैं तो वो रोल्स क्या होते हैं कैसे होते हैं आपको कौन से रोल्स के लिए टारगेट करना चाहिए एवरीथिंग विल कवर राइट अपार्ट फ्रॉम दैट Uh, we will also see that what are the different classifications within the investment banking, right? That you know, what are the different types of investment banking and what are the classifications? And uh, finally, what are the different roles for you? Uh, who are the different employers? Uh, what is the salary you can expect? And definitely, at the last and the most important is the skill which is required for getting a job in investment banking. so let's start this journey without any further delay right so whenever you are talking about a commercial bank आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है कोई भी regulated entity definitely when I am saying a regulated entity a entity which has been regulated by RBI अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है plus लोन भी दे रही है ठीक है तो इट्स अ कमर्शियल बैंक whether it is scheduled commercial bank not scheduled commercial bank not a purpose of today's discussion for sure एक्सेप्ट डिपॉजिट इज वन प्राइमरी फंक्शन इट मी जस्ट थे एक्सेप्ट डिपॉजिट इज फर्स्ट फंक्शन गिविंग लोन इज अनदर फंक्शन एंड डेफिनेटली टू फेसिलेट देअर कस्टमर्स दे आर यू नो ऑफरिंग मल्टीपल सर्विस लाइक फॉर एग्जाम्पल आरटीजीएस एन ई एफ टी और यू नो बैंक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट एंड वॉट नॉट तो ये सब एनसीलरी सर्विसेज हैं बट एक कमर्शियल बैंक की जो मेन सर्विस होती है वो एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स होती है तो बेसिकली यहां से लोगों को लोन दो टेन ट्वेल्व फिफ्टीन परसेंट पे एंड लोगों से डिपॉजिट लो फाइव टू सेवन परसेंट पे तो इसके बीच का जो स्प्रेड होता है दैट इज देयर प्रॉफिट वी ऑल नो दैट राइट बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द गेम चेंजेस कंप्लीटली राइट सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैं अभी आपको बहुत बेसिक गो थ्रू करता हूँ देन वी आर वी हैव अ इन डेप्थ स्लाइड ऑन ईच ऑफ द दस्पेक्ट राइट सो वील कवर एवरीथिंग इन डिटेल लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन होता है दिस इज द कोर डिविजन जो आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों का ड्रीम होता है कि हम लोगों को यू नो मर्जन एक्विजिशन में काम करना है हम लोगों को डी मर्जर में काम करना है तो वो चीज यहाँ पर केटर हुई जाती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन में राइट right? उसके बाद होता है आपका इक्विटी कैपिटल मार्केट्स

थर्ड इज फोर्थ इज डेट सिंडिकेशन सो डेफिनेटली इसमें भी आपको नाम देख के समझ में आ रहा होगा कि एक तो डेट से रिलेटेड कुछ है और डेट को सिंडिकेट करना है सिंडिकेट करना मीन्स फेसिलियटिंग योर क्लाइंट टू टेक डेट राइट टू रेज डेट तो बेसिकली रेज मनी थ्रू डेट एंड फिफ्थ इज ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज विल अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग आपने नाम सुना होगा बार बार की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क होती है या फिर क्या होता है वो, एंड वेल्थ एंड असेट मैनेजमेंट राइट तो चलिए अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं विल फर्स्ट स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन राइट अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में अगर देखोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू कल्चर डिफर कर सकता है कि कोटक में कुछ और होगा जेपी में कुछ और होगा गोल्डमैन में कुछ और होगा बट ब्रॉडली यही चीजें होती हैं मतलब नाम कुछ और हो सकता है बट ब्रॉडली ये चीज होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वुड से से वी आर कोटक राइट जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल कि हम कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक है एंड हमारे पास इन्फोसिस uh, आया ठीक है इन्फी कम टू अस दैट यू नो दे वॉन्ट टू एक्वायर अ कंपनी विच इज इन टू कोर इन टू डेटा एनालिटिक्स ठीक है तो जैसे इन्फोसिस आई और उसने कोटक को बोला कि यार एक काम करो हेल्प मी फाइंड अ टारगेट जो डेटा एनालिटिक्स में काम करता हो तो बेसिकली अब ये क्या ये है ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है ना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है जिन लोगों ने मर्जों और एक्विजिशन पढ़ा है उनको पता है दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन व्हाई क्योंकि इंफोसिस जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा है दे नाउ वॉन्ट टू स्प्रेड स्प्रेड देयर स्कोप ऑफ वर्क टू डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो सो राधर देन स्टार्टिंग यू नो अ कंप्लीटली न्यू सेटअप दे वॉन्ट अ मेच्योर कंपनी जो ऑलरेडी फील्ड में प्ले कर रही है और उसको खरीद के फर्स्ट थिंग विच कोटक हैजू डूल जस्ट वीटा दर्स्ट थिंग विच कोटक हैजू डू इज टारगेट स्काउटिंग राइट तो इन्फोसिस से बहुत डिटेल में बात करके समझा जाता है कि यू नो काइंड ऑफ कंपनी डू यू वॉन्ट कंपनी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया और इन अब्रॉड वॉट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग विच टेरिटरी दे आर केटरिंग टू क्या वो इंडियन टेरिटरी को बिजनेस uh, सर्व uh, कर रहे हैं यू या यूके को सर्व कर रहे हैं तो ये सब चीजें प्रोफाइलिंग बेसिकली समझी जाती है इन्फोसिस uh, से विच इज़ आर मेन एक्वायरर कंपनी और पोटेंशियली एक्वायरर कंपनी कि आप टारगेट के बारे में हमको और बताओ कि आपको किस टाइप का टारगेट चाहिए तो उसके बाद पूरी टीम टारगेट स्काउटिंग पे लगती है एंड दे डेफिनेटली दे विल कम अप विद थ्री फोर फाइव डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ठीक है कि यार पांच कंपनीज हैं विच एग्जैक्टली फिट द प्रोफाइल जो इन्फोसिस ने हमको बताया इसके बाद इवन बिफोर दे टेक अनदर स्टेप अहेड एक प्राइमरी ड्यू ड्यूटेलिजेंस होता है ठीक है ये फाइनेंशियल ड्यू ड्यूटेलिजेंस से थोड़ा अलग है एक प्राइमरी ड्यू ड्यूटेलीजेंस होता है प्राइमरी ड्यू डेलिजेंस में देखा जाता है कि ये जो चार या पांच कंपनीज मैंने स्काउट करी हैं इनके जो मैंने टारगेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करा है क्या ये एक्चुअल में कंसिडरेशन के लायक भी है क्या ये उस लायक है कि मैं ये बाकी का टाइम स्पेंड करूं ये बाकी की एक्टिविटीज करने में स्पेंड करूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार कंपनी शॉर्ट हो गई बट पता चला कि इसमें से एक कंपनी ऐसी है मे बी जस्ट जस्ट इमेजिन की चारों लिस्टेड कंपनीज है ठीक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक कंपनी ऐसी जिसका टू थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप है बट प्राइमरी डू रिलीजन जब करा उसकी बैलेंस शीट पर तो पता चला कि सिक्स थाउजेंड करोड़ की तो कंटीजेंट लाइबिलिटी खड़ी है ठीक है अब एक मिनट में रुक के एक बात बोलना चाहूंगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको अभी तक ये नहीं पता कि कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है तो उसको पॉज करो और इमीडिएटली गूगल करो ठीक है मतलब आई वॉन्ट कि आप एक सर्टन लेवल पे आ जाओ उसके बाद

तो क्रिस्टलाइज कभी भी हो सकती है लाइबिलिटी राइट ड्यू हो सकती है कभी भी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक द कंपनी विल गो करप्ट बैंकक्रप्ट विद इन सिंगल डे तो प्राइमरी ड्यू डिलिजेंस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं उन कंपनीज को प्राइमरी बेसिस पे फिल्टरिंग कर दूं ठीक है जब प्राइमरी ड्यू डिलिजेंस में कंपनी कवर हो जाती है ठीक है तो उसके बाद उसका वैल्यूएशन कंडक्ट होता है वैल्यूएशन कंडक्ट होता है मतलब उसका आकलन करा जाता है कि एक्चुअली में ये एक कंपनी कितने करोड़ रुपए की होगी कितने मिलियन डॉलर्स की होगी कितने बिलियन डॉलर्स की होगी अब समझो ना यार जैसे फॉर एग्जांपल एल है example, ठीक है एल टेक है एंड उसको माइन्ट्री को एक्वायर करना था जो उसने करा भी ठीक है दो इट वॉज हॉस्टाइल एक्विजिशन बट स्टिल तो अगर मान लो ये फ्रेंडली एक्विजिशन होता तो ऐसा तो नहीं है ना कि माइन्ट्री के साथ टेबल पर बैठ के बात कर ली कि अरे भाई कितने में बिकेगा एक हजार करोड़ वो बोलेगा नहीं नहीं एक हजार तो कम है ग्यारह सौ कर दो ठीक है वो बोलेगा नहीं ग्यारह सो तो बहुत ज्यादा एक हजार पचास में आ जा तो थिंग्स वोंट गो लाइक दिस इट्स अ प्रोफेशनल सेटअप वहां पर आपको एक्चुअल में उसके कैश फ्लोज को कंसिडर करते हुए फ्यूचर ग्रोथ को कंसिडर करते हुए यू नो वॉट आर द रिस्क अराउंड दैट ग्रोथ इन द फ्यूचर वॉट आर द इनहेरेंट रिस्क ऑफ द बिजनेस उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए एक प्राइमरी फिगर आप निकलता है uh, जिसको बिजनेस वैल्यूएशन बोलते हैं इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे Once दैट इज बीन डन और ये समझ में आता है कि भाई इसने जो मुझे टारगेट दिया था वो मुझे बोला था मेरे कोई ऐसी को कंपनी खरीदनी जो थाउजेंड से फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ रुपीज का वैलुएशन रखती हो ठीक है अब मुझे पता चला चार में से तीन एक कंपनी तो पहले ही बाहर हो गई थी क्योंकि उसकी कंटीन्जेंट लाइविलिटी थी अब ये तीन कंपनी में से एक कंपनी और बाहर हो गई क्योंकि उसकी वैल्यूएशन इज मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ तो इतना बजट ही नहीं मेरे क्लाइंट का तो मेरे को अभी दो कंपनीज के ऊपर फोकस करना है वैल्युएशन से मुझे ये पता चलता है तो मतलब अब मुझे जो मेन काम करना है वो दो कंपनीज के ऊपर करना है और सबसे बड़ा काम होगा फाइनेंशियल ड्यू ड्यू राइट फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने ध्यान से सुनिएगा कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो शेड्यूल टू अकाउंट्स फुट नोट्स ठीक है वो जो प्रेजेंट करें हैं आपको दिए हैं वेदर दे आर सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हाट दे यूज्ड टू से लाइक सिंप्लीफाईट लाइक फॉर एग्जाम्पल मेजरली जो आप चेक करोगे वह आप चेक करोगे कि अर्निंग की क्वालिटी कैसी है अर्निंग की क्वालिटी कैसी है मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कंपनी को मेजॉरिटी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट से जनरेट हो रहा है मतलब मेरी मेरी कंपनी का नाइन्टी परसेंट रेवेन्यू यूएस के एक कंपनी मुझे दे रही है मतलब कल को अगर वो अरेंजमेंट खत्म हो गया तो मेरी कंपनी तो रेवेन्यू नाइन्टी परसेंट ड्रॉप हो जाएगा ठीक है सिमिलरली मेरे डेटर्स की क्वालिटी चेक करूंगा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कंपनी कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स रिपोर्ट कर रही है बट वो सेल कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है वेन आई एम से कन्वर्ट नहीं हो रही इट मीन्स कि आप धंधा कर रहे हो आप माल बेच रहे हो आप सर्विसेज बेच रहे हो बट सामने वाला आपको कैश नहीं दे रहा है तो आपको मजबूरी में डेटर को एज अ डेटर उसको पार्क करना पड़ रहा है इट इज अगेन यू नो अ रेड फ्लैग फॉर अस तो फाइनेंशियल ड्यू डेलीजेंस में बिलीव मी बहुत इन डेप्थ के अंदर इस चीज का टेस्टिंग होती है इसके बाद जब एक बार ये फाइनेंशियल ड्यू ड्यूटिलस ओके हो जाता है कि यार नहीं फाइनेंशियली एवरीथिंग इज फाइन देन कम्स टू लीगल ड्यू ड्यूटिलिजेंस लीगल ड्यू ड्यूटिलिजेंस में क्या होगा वही सब चीजें कि कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से कंपनी कोई नॉन कंप्लाइंस तो नहीं कर रही है कंपनी अगर मान लो कंपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है सो वेदर दे आर फॉलोइंग ऑल द लॉ ऑफ द लैंड बेसिकली ये देखा जाता है कि कंपनी जहां पर ऑपरेट कर रही है तो लैंड ऑफ द लॉ को वो इन वर्ड एंड स्पिरिट में फॉलो कर रही है ठीक है देन जो सेकेंड लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है डील नेगोशिएशन डील नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है डील नेगोशिएशन के अंदर कि अब ये दो कंपनीज हैं दोनों कंपनीज के साथ प्राइमरली पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बात करेगा कि भाई हमारे एक क्लाइंट है दे आर इंटरेस्टेड टू एक्वायर योर कंपनी सो आर यू इंटरेस्टेड ठीक है तो पहले तो ये बात होती है कि आप बिकने को तैयार हो नहीं हो मोस्ट ऑफ द केसेज में जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये दो कंपनीज हैं दोनों ने हाँ बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है वी कैन कंसिडर दिस टेल एस मोर फिर थोड़ा थोड़ा कर थोड़ा थोड़ा करके फाइनली जब एकदम फाइनलाइजेशन की स्टेज पे आ जाता है तब इन दोनों का शेक हैंड कराया जाता है इन्फोसिस और दिस डेटा एनालिटिक्स कंपनी ओके फिर टेबल पे तीन लोग बैठे होते हैं चार लोग बैठे होते हैं वुड से इन्फोसिस का इन्वेस्टमेंट बैंकर विच इज कोटक इन्फोसिस सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी इज आर डेटा एनालिटिक्स कंपनी एंड फोर्थ पार्टी इज द इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ दैट डेटा एनालिटिक्स कंपनी आप ये चीज ध्यान रखना कोटक इन दोनों का इन्वेस्टमेंट बैंकर एक साथ नहीं बन सकता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आई के नॉट सर्व द बायर एंड सेलर एट द सेम टाइम ठीक है ऐसा नहीं कि कोई रेगुलेशन है बट इंडस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं है डील नेगोशिएशन में क्या बात होगी कि भाई आप ये जो एक्वायर कर रहे हो कर लो कोई बात नहीं ठीक है आराम से करो बट क्या कह फुल कैश डील होगी जैसा बाइजूज ने आकाश को एक्वायर करा फुल कैश एक बिलियन डॉलर सात हजार करोड़ रुपए ले कैश पे टेबल पे रख दिया पैसा और मेरे को दे दे कंपनी क्या पैसे एक्वायर कर रहे हो क्या फुल इक्विटी में एक्वायर कर रहे हो मतलब फुल इक्विटी में मतलब मेरे जितने भी शेयर होल्डर हैं ठीक है थेके? उनको मेरी कंपनी के शेयर के बदले इन्फोसिस का शेयर मिलेगा ठीक है अगर ये केस है तो उसका एक्सचेंज रेशो क्या हो होगा मेरे पांच शेयर के बदले इन्फोसिस का एक शेयर मिलेगा मेरे पांच मतलब वो डेटा एनालिटिक्स कंपनी के पांच शेयर के बदले एक इन्फोसिस का शेयर मिलेगा दस के बदले चार मिलेंगे वॉट एवर इट इज ठीक है तो ये एक्सचेंज रेशियो भी बहुत क्रिटिकल होता है हम आने वाले कई वीडियोस में इसको कवर करेंगे डिटेल में कि एक्सचेंज रेशियो कैसे डिसाइड होता है क्या इंपैक्ट हो सकता है ठीक है सो व्हाट इज द प्री रिक्वेजेड टू डिसाइड द एक्सचेंज रेशियो यहां पर आके आइडल सिचुएशन में डील अनाउंस हो जाती है वंस द नेगोसिएशन इज बीन फ्रीस्ड डील अनाउंस कर देते हैं कि भाई इन्फोसिस इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट डेटा एनालिटिक्स कंपनी अभी तक भी यही एक्विजिशन यही अनाउंसमेंट होता है टारगेट कंपनी का नाम नहीं बताया जाता है जबकि पेपर दोनों ने साइन कर लिए। इसके बाद कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स होती हैं, जैसे एनसीएलटी वगैरह से सी वगैरह से अप्रूवल लेनी पड़ती है जस्ट इनकेस अगर आप लिस्टेड कंपनी एक्वायर कर रहे हो तो एक्सचेंज अप्रूवल लगती है uh, अगर आप uh, आपके कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर रहे हो तो सीसीआई uh, जो कॉम्पिटिशन काउंसिल ऑफ इंडिया है कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी अप्रूवल लगती है तो इस स्टेज तक वो सब काम हो जाता है एंड लास्ट काम जो इन्वेस्टमेंट बैंक यूजली करते हैं वो करते हैं टैक्स कंप्लाइंसेज आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं एम एन ए टैक्सेशन राइट तो वो लोग क्या करते हैं दे बेसिकली डू द पोस्टमार्टम ऑफ एंटायर डील फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ टैक्स कंप्लाइंसेस ठीक है ये मैंने बहुत ब्रॉड में बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। हम लोग एक वीडियो डील लाइफ साइकिल पे भी लेके आएंगे जहां पर अपन एंड टू एंड बात करेंगे कि एक्चुअल में डील कैसे रन थ्रू करती है 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 ठीक ये मैंने बहुत ब्रॉड स्टेप बताई नाउ सेकेंड फंक्शनैलिटी जो होती है वो इक्विटी कैपिटल मार्केट्स होती है अब इक्विटी कैपिटल मार्केट्स बेसिकली क्या काम करती है नंबर वन एक तो आईपीओ यू ऑल नो आईपीओ मतलब प्राइमरी मार्केट्स कंपनी फर्स्ट टाइम इक्विटी रेस कर रही है फ्रॉम द पब्लिक ठीक है फ्रॉम द पब्लिक तो यूजुअली आईपीओ वही बोला जाता है कि फ्रॉम द पब्लिक मैं पब्लिक के पास जा रहा हूं पैसा लेने के लिए तो उस केस के अंदर यूजली आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है वो आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर बन जाता है बुक रनिंग लीड मैनेजर ठीक है ये काम भी कर सकता है कि वो बुक आईपीओ uh, का मैनेजर बन गया वो क्या आईपीओ की अंडर राइटिंग भी कर सकता है बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट बैंक बिल्कुल अंडर राइटिंग कर सकता है अंडर राइटिंग करने का मतलब क्या है बेसिकली आईपीओ लेके आने वाली कंपनी को एक इंश्योरेंस सेल कर देना कि अगर आपका इतना परसेंट तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आई विल सब्सक्राइब द डिफरेंस इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाइन्टी परसेंट तक आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ ठीक है तो उसका जो भी डिफरेंस होगा वो हो, मैं pick, मैं सब्सक्राइब कर लूंगा जैसे आफ्टर आईपीओ अगर सिर्फ 80 परसेंट सब्सक्राइब हुआ तो आई विल सब्सक्राइब फॉर 10 परसेंट ठीक है इसकी फीस कैसे डिसाइड होती है डेफिनेटली इसकी फीस सिर्फ एक चीज पर निर्भर करेगी वॉट इज द प्रोबाबिलिटी ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन ठीक है अगर प्रोबाइबिलिटी कम है तो मैं पैसा ज्यादा चार्ज करूंगा क्योंकि कल को अगर मान लो फुल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट बैंक को अपना पैसा अटकाना पड़ेगा उस आईपीओ के अंदर ठीक है आईपीओ के बारे में भी डिटेल में समझ लेंगे आप नीचे कमेंट में लिख के बताओ इफ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो और एनी ऑफ द टॉपिक इन डिटेल फिर एफ पी ओज आते हैं एफ पी ओज का मतलब क्या होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यहां पर ये दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड है बोथ आर पब्लिक ऑफर्स यानी मैं पब्लिक के पास जा रहा हूं एफ पी ओ और आईपीओ में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि एफ पी ओ ऐसी कंपनी लेके आती है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है ठीक है जैसे अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो रुचि सोया का एफ पी ओ आया था मार्केट में रुचि सोया पतंजलि ग्रुप बेसिकली नॉट रुचि सोया से द पतंजलि ग्रुप पतंजलि ग्रुप अपना आईपीओ लेके आ एफ पी लेके आ गया था मार्केट में ठीक है तो चैलेंजेस रिलेटिवली कम होते हैं कंप्लाइंस रिलेटिवली कम होते हैं एफपीओ में क्योंकि अगर आपका आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है सक्सेसफुली आप मार्केट में प्रेजेंट हो आपका स्टॉक एक्सचेंज uh, में कंपनी uh, लिस्टेड है एंड तो उसके ऑलरेडी हजारों कंप्लायसेज आप ऑलरेडी कर रहे हो ठीक है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली होता है कि कंपनी मेरे पास आई कि मेरे को फंड रेस करना है ठीक है बट यार ये कंप्लाइंट्स वगैरह मेरे को नहीं करना है कि मैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दूं मेरे स्टॉक को ठीक है फिर अगर एन ए में लिस्ट करा है तो उनका लिस्टिंग अग्रीमेंट होगा उसकी पचास सौ क्लॉज हैं हर क्लॉज का कम्प्लाइंस करना है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में यू नो एक्सचेंज को इंटीमेट करना है ये सब काम मैं नहीं कर सकता बहुत सिंपल सी बात है ठीक है मेरे को तो आप एक काम करो बड़े लोगों से पैसा ला दे दो ताकि जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे से डिरेक्ट आके बात कर लेंगे तो इस केस के अंदर क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंक क्यूआईबीस ठीक है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एफ आई आईज एच एन आईज इनके पास जाते हैं बोलते हैं कंपनी है फंड रेज करना चाह रही है आप करवा रहे हो क्या बहुत हद तक मिलता जुलता प्राइवेट इक्विटी से होता है बहुत हद तक होता है बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है वो कवर करेंगे जब प्राइवेट इक्विटी की बात करेंगे बट आप समझ जाओ कि इक्विटी कैपिटल मार्केट में दो चीजें कैपिटल मार्केट और इक्विटी

ठीक है तो वो भी इक्विटी कैपिटल मार्केट की जो टीम है वो हैंडल करेंगे नाउ द थर्ड इज रिसर्च आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है ठीक है दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकिंग होती है रीजन बी आप रिसर्च करके दो तरह से रिसर्च कर सकते हो एक तो आप आपके क्लाइंट्स के लिए रिसर्च कर रहे हो ठीक है एक आप आपके क्लाइंट्स के लिए रिसर्च कर, कर रहे हो और दूसरा आपके जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं आप इनके लिए भी रिसर्च कर रहे हो कि आपने जो रिसर्च रिपोर्ट निकाली है कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक का स्टील इंडस्ट्री पे क्या व्यू है उसने एक पेपर निकाल दिया ठीक है कि कोटक सोचता है इन्वेस्टमेंट बैंक की रिसर्च टीम सोचती है कि स्टील अगले दस साल में ये सीएचआर से ग्रो करके इतनी मार्केट कैप या इतना बिजनेस साइज अचीव कर लेगा ठीक है ऐसी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन के पास एक स्टील एक्विजिशन टारगेट कंपनी एक्वायर करनी या कंसल्ट करना है किसी भी कंपनी को स्टील के ऊपर या कोई ट्रेडिंग डेस्क है उनको स्टील से रिलेटेड कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है बड़ा ट्रेड करना है सो दे विल रिलाई ऑन दीज रिपोर्ट सो डेफिनेटली एक तो ये होता है कि आपके जो एच एन आई क्लाइंट है इन्वेस्टमेंट बैंक की परस्पेक्टिव से बात करूं जो एच एन आई क्लाइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट बैंक ट्रेड करता है ठीक है मतलब उनका पैसा मैनेज कर रहा है उनके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है निकाल रहा है तो दे विल यूज द रिसर्च रिपोर्ट राइट टू इंटाइस क्यों रिसर्च रिपोर्ट निकाली जाती है कि ये स्टॉक खरीद लो ठीक है वो कितनी सच है कितनी मतलब यू कितनी इफेक्टिव है दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिबेट बट वो लोग क्या करते हैं दे बेसिकली पब्लिशअ रिसर्च रिपोर्ट दे विल यू नो सर्क्यूलेटेड विद इन देयर क्लोज नेटवर्क एंड दे इंटाइस देयर कस्टमर्स टू बाय ट पर्टिक्युलर शेयर इफ इट्स अ बाई रेटिंग और सेल दैट पर्टिकुलर शेयर इट्स अल रेटिंग और कई जगहों पर रिसर्च पेड होती है कई जगह पर फ्री भी होती है बट जो ब्रोकरेज आता है राइट आपने रिसर्च निकाली बाय की उसने बाय कर लिया बाय कितना करा सौ करोड़ रुपए के शेयर बाय कर लिया सौ करोड़ रुपए के शेयर्स बाय कर लिए पॉइंट जीरो एट परसेंट पॉइंट एट परसेंट की ब्रोकरेज लग गई ठीक है क्योंकि ट्वेंटी रुपीज वाले ब्रोकरेज अकाउंट में तो बैठेगा नहीं वो एक हजार पंद्रह सौ दो हजार करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो लेके जीरो दा के पास तो देंगे नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम दे मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली मेंबरशिप ले लेते हैं सी से मतलब झुंझुन वाला राकेश वाला सर या कोई दूसरा बड़ा इन्वेस्टर है ठीक है बड़ा ट्रेडर है दे वय ऑन मोतीलाल ओसवाल और दे देट रिलाय ऑन एनी अदर ब्रोकर यार दस लाख रुपए दो एन की मेंबरशिप लो बीस पच्चीस लाख रुपए तो बी एसी की खत्म ठीक है तो ऐसा करते हैं एंड दैट्स हाउ रिसर्च टीम हेल्प्स देम तो इट कुड हेल्प द क्लाइंट एंड इट कुड हेल्प द अदर डिजन विद इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नाउ द नेक्स्ट इज वेल्थ मैनेजमेंट राइट नाउ दिस इज रिलेटिवली न्यू आप सबको पता है कि वेल्थ मैनेजमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बहुत एक्साइटिंग लगता है कि नहीं यार मेरे को तो वेल्थ मैनेजर बनना है ठीक है बहुत एक्साइटिंग लगता है स्टूडेंट्स को तो एक्चुअली में होता क्या है ठीक है तो इसमें पहली चीज जो होती है वो होती है फैमिली ऑफिस

ठीक है तो ही प्रूव हिम सेल्फ कि वो कंपाउंड कर सकते हैं पैसे को थ्रू बिजनेस बट आप समझो उनको बिजनेस करना आता है उनको तेल बेचना आता है उनको ज्वेलरी बेचना आता है उनको पेट्रोल बेचना आता है उनको मोबाइल uh, का डेटा बेचना आता है ठीक है बट पैसे का इन्वेस्टमेंट दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर आप समझ रहे हो गोदरेज का फैमिली ऑफिस है किर्लोस्कर का फैमिली ऑफिस है अडानी का फैमिली ऑफिस है आप नेम दैट वन फैमिली यू नो वाडियास का फैमिली ऑफिस है महिंद्रा का फैमिली ऑफिस है कोटक का फैमिली ऑफिस है फैमिली ऑफिस का क्या मतलब है उदय कोटक कुड बी अ गुड बैंकर बट ही इज नॉट अ गुड वेल्थ मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड वो डिसीजन लेना है पंद्रह सौ करोड़ रुपए आपके पास पड़ा हुआ है आइडल कंपनी यू शुड इन्वेस्ट इन अरे कोटक उदय कोटक सर की बात करो या मुकेश अंबानी की बात करो अगर ये लोग अच्छे स्टॉक पिकर्स होते तो ये लोग खुद अपना पांच पांच दस दस हजार करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं बना के बैठे होते आपने कभी सुना उदय कोटक की आप सर्च करो जाके आप वीडियो के बाद सर्च करना जाके राइट कि राकेश झुंझुनवाला सर की क्या होल्डिंग्स हैं या मुकुल महावीर सर की क्या होल्डिंग्स है, और उसके अगेंस्ट में उदय कोटक की क्या होल्डिंग यू वोट फाइंड एनी एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रमोटर तो डेफिनेटली दे, दे हैव तो ये लोग क्या करते हैं अपने फैमिली ऑफिसेस खोलते हैं फैमिली ऑफिस ओपन करा फैमिली ऑफिस ओपन करा मतलब एक एंटिटी ओपन करी उस एंटिटी के अंदर स्किल्ड लोगों को रिक्रूट करा एंड नाउ ये जो स्किल्ड लोग हैं इनका सिर्फ एक ही काम है सिर्फ एक ही काम है कि कोटक फैमिली का जो टेन थाउजेंड करोड़ रुपीस का जो वेल्थ है उसको मैनेज करना है दैट सेट सिर्फ यही काम है ठीक है तो यूजुअली किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को भी फैमिली ऑफिस दिया जा सकता है मैनेज करने के लिए या फिर वो इंडिपेंडेंटली उसको मैनेज करते होंगे ठीक है तो मैंने दोनों एस्पेक्ट से कवर करा है एस्टेट प्लानिंग क्या होती है ठीक है एस्टेट प्लानिंग बहुत सिंपल सा फंडा है याद करो वेन धीरू भाई अंबानी राइट ही पासड अवे वॉट हैपन देर वॉज अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स ठीक है दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था तेल में लूंगा ऑयल में लूंगा टेलीकॉम में लूंगा एनर्जी एनर्जी में लूंगा भला भला ब्ला ब्ला वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट ठीक है केवी कामत हु वॉज आईसीआईसीआई टॉप बॉस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड राम जेठ मलानी ठीक है वन ऑफ द टॉप लॉयर्स भी कंट्री हैज एवर सीन ये दोनों बीच में मीडिएटर बने थे एंड दे व गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ द स्टेट अमंगस्ट बोथ ऑफ द ब्रदर्स इन अ फेयर वे ठीक है बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है आप समझ रहे हो दे आर नॉट फाइटिंग फॉर सम पीनट्स की कोई पच्चीस पचास करोड़ रुपए के लिए फाइट नहीं है इट्स लिटरली फाइट फॉर एम्पायर आज अगर गोदरेज गोदरेज आप देखोगे तो गोदरेज हैज यू नो करोड़ एंड करोड़ वर्थ ऑफ लैंड ओनली लैंड बैंक ही करोड़ों रुपए का लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लैंड बैंक है अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इट इज़ नॉट समथिंग जो आप पेपर पे लेके बैठ गए और बोले कि अच्छा ये तू रख ले ये इट्स नॉट like है रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में इतना पॉप्युलर नहीं है एज ऑफ नाउ बट यूएस में इट इज वेरी वेरी पॉप्युलर यूएस में वेरी पॉप्युलर मतलब कौन रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा क्या जो बैंक में या कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगा कि मेरे रिटायर भाई आप एक चीज समझो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास कोई भी अगर आ रहा है तो ही इज ऑलरेडी एच एन आई इज ऑलरेडी अ कारपोरेटर ठीक है तो यूजअली एच एन आईज आते हैं भाई मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग करो ठीक है कि मैं आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वॉन्ट टू वर्क सो यू हैव टू अरेंज एवरी थिंग कि माई लाइफ शुड माई लाइफ स्टाइल शुड नॉट डिक्रीज वंस आई स्टॉप वर्किंग्स ठीक है यही यही बेसिक एक मोटिवेशन uh, होता है बिहाइंड रिटायरमेंट प्लानिंग प्राइवेट ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट का क्या मतलब होता है प्राइवेट ट्रस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं सो so बेसिकली आपको पता होगा जैकी श्रॉफ ठीक है वेन ही वॉज इन हिज गोल्डन डेज जब जैकी इन हिज गोल्डन डेज उन्होंने क्या करा ही जस्ट पाग हंड्रेड करोड़ रुपीज अगेन एग्जाम्पल ले रहा हूं फिगर इज नॉट राइट हंड्रेड करोड़ रुपीज वॉट हीज डन हंड्रेड करोड़ रुपीज उन्होंने स्विट्जरलैंड भेजे और ये एक्चुअल में हुआ था ठीक है और स्विट्जरलैंड में ही क्रिएटेड अ ट्रस्ट ठीक है ट्रस्ट किसके नाम से क्रिएट करी गई टाइगर स्ट्रॉफ वेलफेयर ट्रस्ट अब इस ट्रस्ट का काम क्या है इस ट्रस्ट का काम यह है कि जो टाइगर श्रॉफ है एंड दिस लाइक टेन फिफ्टीन इयर्स बैक वेन टाइगर वॉज टाइगर श्रॉफ वॉज नॉट अ यू नो इंडिपेंडेंटली अर्निंग और वॉज नॉट अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री नो वन इवन न्यू हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो क्या करते हैं एक ट्रस्ट बने सौ करोड़ रुपए की और कोटक महिंद्रा बैंक को कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक को बोल कि भैया आपको मेरी ट्रस्ट मैनेज करनी है ठीक है ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रस्ट इज द वेलफेयर ऑफ टाइगर श्रॉफ दैट्स इट ट्रस्ट का मतलब जनता जनार्दन की सेवा करना नहीं होता है यह प्राइवेट ट्रस्ट है नॉट अ पब्लिक ट्रस्ट ओके तो वो क्या करेगा जब तक टाइगर श्रॉफ या बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट केपेबल इनफ नॉट कंपिटेंट इनफ टू हैंडल द अमाउंट तो क्या करेंगे इस अमाउंट को आडल पड़े रहने देंगे क्या नहीं हाँ तो दे इनवेस्ट दिस अमाउंट वाइजली एंड जनरेटर रिटर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि बारह साल के बच्चे के नाम पर ट्रस्ट बनाई है अभी हमारे पास छह साल सात साल आठ साल हो रहे हैं जो भी ट्रस्ट में लिखा होगा ट्रस्ट डीड में जो भी लिखा होगा कि इक्कीस साल का होगा या एटीन ईयर्स का होगा नाइनटीन ईयर्स का होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गिव हिम दिस वेल्थ ओके तो तब तक द वेल्थ मैनेजमेंट का काम विल बी डन बाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम ओके okay. और वेल्थ मैनेजमेंट उसके बाद ट्रांसफर ऑफ दैट वेल्थ कि भाई अब टाइगर मीट कर लिए ट्रस्ट डीड के अंदर है फिर ये वेल्थ ट्रांसफर हो जाएगी बेनिफिशरी को और इन्वेस्टमेंट बैंक का काम वहां से खत्म हो जाएगा मैं फिर बता रहा हूं प्राइवेट ट्रस्ट कंसेप्ट इज नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया बट इट विल ग्रो यू नो एज the the count of billionaires will grow in India. So this is one of the booming sectors or booming side of investment banking. जहाँ पर growth बहुत बाकी है. Investment banking is one of those sides. क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं चारों ये relatively it's very new. It's very new. Okay. Now ये तो बात हो गई कि investment banking में क्या-क्या divisions होते हैं. हमने detail में थोड़ा cover करेंगे. भाई ये चार पांच divisions होते हैं. ठीक है. Now रोल्स इन आई ठीक है कि आई के अंदर रोल क्या क्या होते हैं तो बेसिकली आप सब लोग इंटाइज हो गए आप सब लोग एक्साइट हो जाते हो गए सुन के कि सर मेरे को तो फ्रंट ऑफिस में काम करना है ठीक है अब एक चीज़ समझो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो फ्रंट ऑफिस के रोल्स होते हैं वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो आपने देखा था ऋतिक रोशन वाला फंडा वैसा नहीं होता है ठीक है इट इज़ नॉट लाइक दैट फ्रंट ऑफिस मीन्स एनी जहां पर आप डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहे हो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो मतलब जब आप इन मर्जर्स और एक्विजिशन में हो जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन में हो एम एन टीम में हो ठीक है तो यू आर गोइंग टू मीट द क्लाइंट कि ठीक है सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या आप इन्फोसिस के सी से डायरेक्टली जाके मिल रहे हो ठीक है इन्फोसिस के बोर्ड से डायरेक्टली जाके मिल रहे हो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में कि अच्छा आपको टारगेट फाइंड करना है अच्छा मुझे बताइए आप टारगेट क्या क्या एंड यू आर कीप ऑन रिपोर्टिंग टू देम जहां भी आपका कॉन्टैक्ट क्लाइंट से हो गया ठीक है जहां भी आपकी जो फाइनल डिलीवरी है जो भी काम आपको करना है उसकी फाइनल डिलीवरी डिरेक्ट क्लाइंट को हो गई तो यू आर इन टू फ्रंट ऑफिस जॉब अंडरस्टूड वेरी सिंपल वेरी प्लेन वनीला मैंने बिल्कुल बहुत इजी तरीके से समझा दिया जहां पर भी आपका इंटरेक्शन आपकी डिलीवरी फाइनल डिलीवरी क्लाइंट को आपने कर दी ठीक है ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक यू आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफिस ठीक है इसी में अगर मैं ट्रेडिंग बोलूंगा कि ट्रेडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो जो ट्रेडर है ठीक है दोज हुई विद द आउटसाइड वर्ल्ड वॉट इज द आउटसाइड वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड इज द मार्केट द स्टॉक मार्केट राइट तो फर्म के बिहाफ पर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस टर्मिनल पर बैठ के ठीक है कि इफ आई विल पंच द ऑर्डर इट इज नॉट पंचड बाय मी इट इज पंचड बाय माय बैंक माय इन्वेस्टमेंट बैंक ठीक है वो फ्रंट ऑफिस रोल है आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ ये क्वेश्चन डायरेक्टली कभी भी इंटरव्यू में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट ऑफिस मिडिल ऑफिस बैक ऑफिस ठीक है प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप इसके नोट्स बनाते जाओ हाथों हाथ वैसे आई आई विल विल पुट पुट ट्राई टू दिस पीपीटी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट एंड अभी तक अगर आप टिके हुए हो तो एक काम तो आपको इमीजिएटली करना चाहिए सब्सक्राइब करो फटाफट ठीक है ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहे दिस इज माई फ्रंट ऑफिस जॉब नाउ द मिडिल ऑफिस इज बेसिकली एनी वन हुज असिस्टेंस असिस्टिंग द फ्रंट ऑफिस पीपल इन ऑर्डर टू गेट देयर वर्क डन ठीक है कौन हो सकते हैं जैसे फिनेंशियल मॉडलिंग टीम ठीक है जैसे एमएनए केस के अंदर मर्जर एक्विजिशन के अंदर रिसर्च टीम बिल्कुल क्या मिडिल ऑफिस टीम है बिल्कुल मिडिल ऑफिस टीम है इस समय मिडिल ऑफिस है जब वो रिसर्च टीम इंडिपेंडेंटली अगर आप रिसर्च टीम के उस सेक्शन में हो जो इंडिपेंडेंटली सिर्फ क्लाइंट को डील करते हैं क्लाइंट को रिसर्च रिपोर्ट्स इशू करते हैं आप बोल सकते हो कि मैं फ्रंट ऑफिस में हूं बट अभी अगर एम एन ए टीम बोलती है कि भाई हमको गोल्फ रिलेटेड कोई मर्जर एक्विजिशन पे काम करना है गोल्फ इंडस्ट्री रिलेटेड सर्च करो रिसर्च करो गोल्फ इंडस्ट्री के ऊपर रिपोर्ट दो हमको कि क्या प्रॉस्पेक्ट है उसका एशिया में ठीक है तो उस केस के अंदर दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज टू द फ्रंट ऑफिस टीम ठीक है मार्केट आउटलुक बता ट्रेडर भी होता है ट्रेडर बोलता है मार्केट आउटलुक दो मुझे लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट्स मॉर्निंग 9:30 को ओपन होते हैं इंडिया में 9:15 9:30 को ओपन होता है यूजुअली ट्रेडर्स एट 8:15 8:30 तक अपने डेस्क पे पहुंच जाते हैं थर्टी मिनट्स बिफोर द ट्रेडिंग हैपन्स उस टाइम पर उनके पास सिर्फ एक ए शीट आती है उस ए शीट के अंदर क्या होता है पूरा सिनापसिस होता है रात भर में क्या हो गया कल जब से मार्केट बंद हुआ तब से अभी तक क्या हो गया ठीक है वर्ल्ड मार्केट्स ने कैसा बिहेव करा क्रूड प्राइस ने कैसा बिहेव करा कमोडिटीज ने कैसा बिहेव करा उनको एक ग्लांस मिल जाता है ठीक है तो हु इज डूइंग दिस राइट सो मिडल ऑफिस इज फेसिलटिंग फ्रंट ऑफिस इन ऑर्डर टू कंप्लीट देर ड्यूटीज द थर्ड इज थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैक ऑफिस ठीक है यूजअली यूजअली नॉट नेसेसरली यूजअली लोगों को पसंद नहीं आता है बैक ऑफिस जॉब बट ऐसा कुछ नहीं है अगर आप चाहो तो अच्छा और क्या मैं फ्रंट ऑफिस या बैक ऑफिस बैक ऑफिस से मिडिल ऑफिस में स्विच कर सकता हूँ अगेन डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी कल्चर कैसा है बट बैक ऑफिस में क्या होगा यूजअली जो फ्रंट ऑफिस मिडिल ऑफिस ने काम करा है उसकी रिकॉर्डिंग होगी ठीक है तो मोस्टली अकाउंटिंग का काम होगा ठीक है मोस्टली टैक्स का काम होगा मोस्टली अदर रेगुलेशन रेगुलेटरी कम्पलाइंस का काम होगा का का हो का 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 हो ये सब काम कि फ्रंट ऑफिस और मिडिल ऑफिस दोनों मिलके ठीक है अपना बिजनेस और मेरी आईबी मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक ये तीनों अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकें ठीक है रेगुलेशन के दायरे में जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उसके फोर कॉर्नर्स में रहते हुए अपना बिजनेस रन कर सकें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैक ऑफिस की ठीक है दे डू अकाउंटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा हेच फंड अकाउंटिंग के रोल्स बहुत हैं ठीक है थीके? अकाउंटिंग के रोल्स आते हैं यूजुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं सी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये रोल्स ऑफर होता है ये सब बैक का ऑफिस का काम है आई होप दिस क्लियर इसमें शायद दो चीजें मिस कर गया विच आई विल कवर फ्रॉम I आई वुड से ये दो चीजें मैं मिस कर गया डेट्स इंडिकेशन इन ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज में समझा देता हूं तो बेसिकली आप समझो डेट सिंडिकेशन का क्या काम होता है ठीक है आप समझना आई नो यू आर यू नो वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी वेल अवेयर यू नो इंडिविजुअल तो अगर आपको कोई छोटा मोटा लोन लेना है छोटा मोटा लोन मतलब कोई पचास लाख एक करोड़ रुपए का होम लोन लेना है से फॉर एग्जांपल, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द ब्रांच मैनेजर यू कैन आस्क यू नो व्हाट आर आर द रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बोलेगा मेरे को आधार कार्ड पैन कार्ड लास्ट छः महीने का सैलरी स्लिप दे दो प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दो सब फोटो करके आप पूरा फाइल उसको दे देते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू आर एलिजिबल दे विल गिव यू द लोन राइट दिस प्रोसेस इज ईजी वाई दिस प्रोसेस इज ईजी नंबर वन इट्स अ रिटेल लोन नंबर टू अमाउंट इज वेरी लेटर ओनली टॉकउट करोड़ का लोन चाहिए तो आपको ऐसा लगता है आप वहाँ जाओगे मैनेजर को बोलोगे है, ठीक है जो शूज बनाती है मेरे को एक हजार करोड़ का लोन चाहिए वो टेबल से खड़ा हो जाएगा कि सर क्या बात कर रहे हो एक हजार करोड़ का लोन इतना लोन तो मेरे पूरे ब्रांच में नहीं बैठा हुआ है ठीक है तो दिस इज नॉट हाउस यू नो थिंग्स वर्क इन द रियल लाइफ इन द कॉपरेट वर्ल्ड तो यूजली क्या होता है ये बहुत ही डेलीकेटली और बहुत ही यू नो प्रोफेशनली हैंडल करा जाता है इस चीज़ को दे यूजअली हायर ए इन्वेस्टमेंट बैंक इन बिटवीन कि भाई मेरे को एक हज़ार करोड़ का लोन चाहिए नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे को इस रेट से इस रेट की रेंज में चाहिए ठीक है ये बात भी होती है आप समझो क्या आप छोटा लोन लेने जा रहे हो तब आप ज्यादा नेगोशिएटिंग पावर आपके पास है या आप बड़ा लोन लेने जा रहे हो तब नेगोशिएटिंग पावर आपके पास है आप अगर बैंक से एक हजार करोड़ का लोन ले रहे हो तो यू कैन आस्क दे आप एक परसेंट दो परसेंट का डिस्काउंट दो मुझे इंटरेस्ट रेट पे डेफिनेटली यू कैन आप लेकिन पचास लाख एक करोड़ का होम लोन लेने जा रहे हो इज नॉट इवन बॉर्डर्ड कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता ठीक है जो रेट लिखा हुआ है वही रेट लगेगा मेरे हाथ में नहीं है ये करना ठीक है प्लस तो एक तो वो एडवांटेज है डेट सिंडिकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू जाते हो प्लस देर आर हाई चांसेस ठीक है वॉट वी हैव सीन इन हिस्ट्री विजय माल्या ठीक है वी हैव सीन पी एन बी का स्कैम जो नीरव मोदी का हुआ था जो गीतांजलि जेम्स का हुआ था उस केस के अंदर आज के टाइम ऐसी कंडीशन हो गई है कि नो वन बैंक इज रेडी टू अज्यूम द रिस्क इसका मतलब क्या आपको 1000 करोड़ से है? मिल जाएगा लेकिन एक बैंक नहीं देगा आपको पांच बैंक मिल देंगे दो दो सो दो 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 सो करोड़ रुपए सो वॉट देर डूइंग को डिस्ट्रीब्यूटिंग बोला जाता है ठीक है। है। और इसमें consortium leader होता है. इसकी पूरी प्रोसेस अलग होती है तो बेसिकली डेट सिंडिकेशन के अंदर डेट रेजिंग और डेट सर्विसिंग से रिलेटेड कोई भी कॉर्पोरेट लेवल का काम होता है वो में होता है। इट्स अ वेरी 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 आई वुड से रोल ठीक है एंड इफ यू हैव दैट पैशन ठीक है कि आपको डेट मार्केट्स का बहुत अमेजिंग पैशन है कि यार मेरे को तो इसी में करियर बनाना है तभी आप इसमें जाइए वरना मत जाइए ठीक है ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज ये दो अलग अलग चीजें हैं नंबर वन ब्रोकरेज से मैं स्टार्ट करता हूं अगर तो ब्रोकरेज का मतलब यह है कि मेरे क्लाइंट को मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूं और मेरे क्लाइंट मेरे थ्रू वो ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे ब्रोकरेज मिल रहा है ठीक है सिंपल सी बात है जैसा आप जीरोधा पे जाके ट्रेड पंच करते हो तो आप जीरोधा इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू पंच द ट्रेड टू इंटर इन टू द ट्रेड टू बाय द स्टॉक टू सेल द स्टॉक अगेंस्ट दैट यू पे ट्वेंटी रुपीज पर लेग पर ट्रांजेक्शन टू जीरोधा ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फॉर सेल ठीक है दैट इज ब्रोकरेज एस्पेक्ट ये जैसा बाकी सब में होता है वैसे इन्वेस्टमेंट बैंक में भी होता है ठीक है अब क्वांटम बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि आप अगर डायरेक्टली जाके मॉर्गन स्टैंडली को बोलोगे कि भाई मेरे चार लाख रुपए लो मेरा ब्रोकरेज अकाउंट खोलो हिल चौकीदार भगा देगा कि भाई जाओ यहां से ठीक है ऐसा नहीं होता यहाँ पर मतलब आपके पास लिटरली आपके पास सौ पांच करोड़ हजार करोड़ रुपया तो हम ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं उसमें ट्रेड करो ठीक है एंड द लास्ट थिंग इज ट्रेडिंग वेन आई एम सिंग ट्रेडिंग इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग ब्रोकरेज में आप ट्रेड कर रहे हो आप क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हो योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑन ब्रोकरेज ओके okay. ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो ट्रेडिंग में जो आपके पास आइडल फंड पड़ा है सर मेरे पास आइडल फंड अरे कैसे आएगा जो कमीशन कमाई है आपने ऊपर से नीचे तक इन सब चीजों में वॉट एवर यू हैव अर्न राइट डेफिनेटली यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट आपने थोड़ा बहुत सैलरी वैलरी में पैसा बांटा होगा बट उसके बाद आपके पास पैसा तो पड़ा ही होगा ना ऐसा थोड़ी ना कि पैसा नहीं होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है जिसके पास वन थाउजेंड करोड़ रुपीज आइडल फंड है तो वॉट दे विल डू

क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे बिल्कुल होंगे ट्रेडर को ये बताया डॉक्यूमेंटेड करके बताया जाता है कि भाई ये मेरा रिस्क प्रोफाइल है ये मेरा इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम है इसके बाहर जाके काम नहीं करना है ठीक है इसके बाहर जाके काम नहीं करना है और कुछ स्टॉक्स हैं जो ब्लैक लिस्ट हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्लैक लिस्ट हैं इन्फोसिस क्योंकि इन्फोसिस के लिए तो मैं काम कर रहा हूं ना मुझे तो पता है ये डील होने वाली है तो इन्फोसिस को मैं ट्रेड नहीं कर सकता ठीक है तो ये सब चीज़ें ट्रेडर को बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं Usually, आप देखोगे तो ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीस्ट सेक्टर विद इन इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक के जितने भी फंक्शन तो में सबसे ज्यादा रिस्की फंक्शन ट्रेडिंग होता है कहीं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ ट्रेडिंग के कारण कि वो ट्रेडर ने उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर या तो गलती कर दी ब्लंडर कर दिया कुछ ऑपरेशनल एरर या फिर उसने इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम के बाहर जाके ट्रेड्स ले लिए आप देखना जो एल था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जहां पर उनको मार्जिन मार्जिन कॉल करके एक मूवी है आई होप आप सबने देखी होगी बट फिर भी जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखना ठीक है ओवर देयर दे हैव शॉर्टेड द स्टॉक्स लाइक एनीथिंग ठीक है उन्होंने बेच रखे थे एंड यू नो सडनली देर वॉज चेंज इन इंटरेस्ट रेट ड्यू टू दैट कोल्ड वॉर हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड एंडस अगेन इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टूगेदर एंड देन मार्जिन कॉल आ गया एंड दे हैव टू लिटरली शट द इंटायर फंड तो ये हमेशा होता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्की जॉब क्या इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोप्राइटरी इसी को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बोला जाता है प्रोप्राइटरी का क्या मतलब होता है खुद के लिए प्रोप्राइटरी बिजनेस खुद का बिजनेस मैं ही मालिक हूं ठीक है तो ट्रेडिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का क्या मतलब होगा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मतलब खुद के लिए ट्रेड कर रहा हूं तो सर क्या मैं सौ करोड़ रुपए लेके अगर बैठता हूं और मैं ट्रेड कर रहा हूं तो क्या बोल सकता हूं प्रोप्राइटरी अरे आप पचास रुपए लेकर भी ट्रेड कर रहे हो था प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कर रहे हो

क्या इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंक ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इंडिया में भी कर सकते हैं इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं फॉरेक्स में भी डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं बहुत सारी दूसरी चीजें तो ये चीजों के साथ मैंने कवर करा कि क्या प्रोफाइल क्या डिविजन्स uh, है एंड क्या मेजर रोल्स है इन्वेस्टमेंट बैंक में ठीक we'll है नाउ वील जम्प विद द क्लासिफिकेशन कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कितने तरह के होते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो होता है वो बीबीबी ठीक है ट्रिपल भी बोला जाता है बल्ज ब्रैकेट बैंक बल्ज ब्रैकेट बैंक मतलब ये अपने आप में दे आर लाइक द ग्लोबल लीडर्स वेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जेपी मॉर्गन गोल्ड मैन मॉर्गन स्टैंडले यहां पर काम करने का एडवांटेज क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज यह कि आपको बिग डील्स में काम करने मिलेगा ठीक है कि सीधा 16 बिलियन डॉलर का एक्विजिशन है 16 बिलियन डॉलर का एक्विजिशन है किसका एक्विजिशन हुआ था 16 बिलियन डॉलर में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर करा था ठीक है तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे काम करने का मौका मिलता है ठीक है यू आर वर्किंग विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री आप दुनिया आप इंडिया के सबसे समझदार सबसे यू नो होशियार लोगों के बीच में बैठ के काम कर रहे हो दैट इज अगेन यू नो संग संग जैसी संगत वैसी रंगत वाला काम है आप भी थोड़ा सा पॉलिश हो ही जाओगे मेन डिसएडवांटेज क्या होता है मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर जो चीजें होती है वो हाईली सिस्टमेटिक होती है हाईली सिस्टमेटिक मतलब सबका काम डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये टीम सिर्फ रिसर्च का काम करेगी ये टीम सिर्फ टारगेट ढूंढने का काम करेगी ये टीम सिर्फ वैल्यूएशन करेगी ये टीम सिर्फ फाइनेंशियल डिटेलिजेंस ये सिर्फ लीगल ड्यूटलिजेंस ये सिर्फ नेगोशिएशन और ये सिर्फ एम्यट टैक्सेशन तो अगर आप गोल्डमैन में एम्यट टैक्सेशन में लग गए हो तो आपको कभी भी कोई आइडिया नहीं होगा कि बाकी सारे फंक्शन में एग्जैक्टली exactly क्या काम हो रहा है बिकॉज दे मेंटेन अ चाइनीज वॉल बिटवीन ईच फंक्शनैलिटी जो रिसर्च कर रहा है उसको पता नहीं है वो किस टारगेट के लिए रिसर्च कर रहा है किस कंपनी कौन सा क्लाइंट है उसका जिसके लिए वो रिसर्च कर रहा है ठीक है जो टारगेट स्काउट कर रहा है उसको ये पता नहीं है कि रिसर्च में क्या रिजल्ट आया उसको सिर्फ ये बोला गया का तुम्हारा काम टारगेट स्काउट करना है जो वैल्यूएशन कर रहा है उसको पता नहीं है इसका ड्यू ड्यूटोलॉजी का क्या रिजल्ट है तो एवरीथिंग इज सेपरेटेड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट डील साइकिल बट आपको एक ओवरऑल इंटायरिटी में व्यू कभी नहीं मिलेगा ठीक है एंड जहां तक बात रही दे आर वन ऑफ द हाइएस्ट पेइंग जॉब यू नो एम्प्लॉयर्स डेफिनेटली बहुत बड़े लोग हैं बड़ा पैसा है उनके पास यूजअली अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्टेक्स के हिसाब से और एक फ्रेशर की बात कर रहा हूं तो एनी वेयर बिटवीन इलेवन लैक्स टू फोर्टीन लैक्स समटाइम अप्स टू एटीन नाइनटीन लैक्स ये दिस काइंड ऑफ पैकेज द यूजली ऑफर ठीक है अच्छा ये ऐसा नहीं कि इलेवन लाख है तो लड़ाई करने लग गए कि मेरे को दस लाख रुपए की ऑफर कर रहा हूँ मेरे को तो यूट्यूब में ग्यारह लाख बोला था ऐसा नहीं होता डिपेंड ऑन हाउ द मार्केट सिचुएशन इज बेसिकली डिमांड सप्लाई का खेल है ठीक है अगर उसको डिमांड इमीडिएटली कोई मिल रहा हो तो ग्यारह की जगह चौदह अठारह लाख रुपए में भी हायर कर लेगा मनी इज नेवर अ कंस्ट्रेंट आप समझ रहे हो वो इन्वेस्टमेंट बैंक करे भाई इट्स अ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है खूब पैसा है ओके ना इलीट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म्स ठीक है इलियट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म मतलब है बाहर की कंपनीज ठीक है बट वो इतना स्पेशलाइज हो गया है जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉथ्स चाइल्ड है ठीक है एवरकोर है लजार्ड है ठीक है ये लोग इतने एक्सपर्टीज हैं कि दे आर लिटरली सर्विंग टू ओनली वन सेक्टर क्या इसमें तो आई एम बॉस ओके एंड नंबर टू दे यूजली वर्क इन एप्सोल्यूट साइलेंस आप कभी भी देखोगे तो अपना बहुत ज्यादा चमकाने का काम नहीं करता जैसे गोल्ड मैन है कि बार 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 रिपोर्ट निकाल रहे नहीं दे फोकस विद देयर क्लाइंट तो इसमें क्लाइंट को क्या एडवांटेज होता है दे गॉट द क्वालिटी ऑफ अ बल्ज ब्रैकेट बैंक बल्ज ब्रैकेट बैंक के लेवल की क्वालिटी मिलती है डिलीवरी में बट द प्राइजिंग इज वेरी लेस दे डेफिनेटली चार्ज अ लिटिल लेस अ लिटिल लेस देन इन्वेस्ट द बिग ब्रैकेट बैंक राइट बिग बर्ज बैंक्स एंड यहां पर एक क्लाइंट को पर्सनलाइजेशन मिल जाता है यहां पर अगर आप सैलरी की बात कर रहे हो तो आई नो इट्स वेरी शॉकिंग बट मैंने देखा है पर्सनली कि कई बार ये इलीट फर्म जो होती हैं वो बल्ज ब्रैकेट बैंक से भी ज्यादा पैसा ऑफर कर देती हैं राइट मतलब आई हेव सीन पीपल गेटिंग पैकेज ऑफ ट्वेंटी लाख रुपीज इज स्टार्टिंग पैकेज फॉर अ फ्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है लोअर साइड में आठ नौ लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है but and i'm talking about these are indian not indian firms okay? these are out of indian foreign firms basically or presence in india regional firms so between 8 lakh to 20 lakh rupees for a fresher depend on profile depend on the demand and supply depend on you know what is your expertise everything is like you know subjective now regional ib firms regional ib firms like for example northern Ak capital Evindus capital hai, veda capital hai. ठीक है ये इंडियन फॉर्म्स हैं ये इंडिया में फॉर्म्स बने बहुत छोटे फॉर्म्स होते हैं यूजुअली डील साइज बहुत छोटा होता है ठीक है डील साइज इज लेस देन ऑलमोस्ट लेस देन वन बिलियन बहुत रेयर होता है कि कोई यू नो रीजनल आई बी फॉर्म एक बिलियन डॉलर की डील को हैंडल कर रही है वेरी रेयर लाइक वन इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ अ सिचुएशन हो जाती है ठीक है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर विथ रीजनल आई बी फॉर्म कि वहां पर जो मैंने आपको बताया था ना कि बर्ल्ज ब्रैकेट के अंदर देर इज दिस फंक्शन डिफाइंड कि तुम रिसर्च करोगे तुम ये करोगे तुम नेगोशिएशन करोगे तुम वैल्यूएशन यहां पर लिटरली ऐसा नहीं होता है यहां पर इफ यू आर पार्ट ऑफ अ डील यू आर पार्ट ऑफ अ डील सो यू विल स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम हियर एंड यू विल एंड योर वर्क ओवर हियर कि आप रिसर्च करने से लेकर के डील अनाउंसमेंट होने तक हर चीज में यू विल बी इन एवरी एस्पेक्ट यू विल बी अवेयर कि क्या चल रहा है एंड यू विल बी लिटरली बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट ऐसा क्यों होता है नंबर वन रिलेटिवली इनके पास स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत कम होती है एक रीजनल आई बी फर्म जो होती है वो वट आई हैव सीन पर्सनली इज पांच लोगों भी काम करते हैं मतलब दो पार्टनर है तीन चार ये तो बहुत छोटी हो गई लेकिन हाँ इतनी होती है कि तीन चार पार्टनर हैं उन्होंने अपने अंडर में तीन चार पांच डायरेक्टर्स रखे हुए हैं और उनके साथ दो दो तीन तीन लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो बेसिकली अगर आप एक डील पे एक रीजनल लाइब्री फर्म काम कर रही है तो इट इज लिटरली यू नो ऑन पर्टिकुलर डील नॉट मोर देन फोर फाइव पीपल आर वर्किंग तो अब चार लोगों को काम करना है तो डिवीजन ऑफ लेबर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ठीक है कोई ना कोई तो होगा जो लैक कर रहा होगा और उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी सब लोग आएंगे तो यू नो हाउ इट वर्क ठीक है यहां पर आपका एक्सपोजर विल बी वेरी गुड दैट इज वाई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स एंड माई मेंटीज टू स्टार्ट देयर करियर विद अ रीजनल लाइब्री फर्म रादर देन जस्ट डोंट गो बिहाइंड द नेम ये तो है ही यार ठीक है अगर आपने एक बार यहां एंट्री ले ली है ना तो आपके लिए ये भी पॉसिबल है और ये तो है ही मतलब पांच साल चार साल आप दो तीन साल पहले नॉलेज तो गैदर करो ठीक है इस लेवल पे आपकी कॉन्फिडेंस को लेके आ जाओ कि मैं अकेला डील हैंडल कर सकता हूं उसके बाद आप देखो कैसा पैसा मिलता है गोल्डमैन से कैसा पैसा मिलता है मॉर्गन स्टैंडली से ठीक है अगेन आई एम रिपीटिंग दिस मनी इज नो कंस्टेंट फॉर देम आप जितना पैसा मांगोगे तो उतना पैसा मिलेगा सब्जेक्ट टू ट यू आर अ राइट टैलेंट एंड यू आर पुटिंग समथिंग ऑफ गुड वर्थ ऑन द टेबल आप टेबल पे चीज रखो आप करोड़ रुपए बोलोगे करोड़ रुपए का सैलरी मिलेगा ठीक है एंड एक और होते हैं बिग फोर फॉर्म्स ये रिलेटिवली थोड़ा नया है जो चारों बिग फोर है EY, KPM, G, Delight, से, इन लोगों ने अपने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म्स खोले हुए हैं इनका ऐसा बोलना है कि यार जिसके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं जहां पर वी नो द लिटरली इंटायर बोर्ड एंड टू एंड सो वाई जस्ट लूज दिस सेक्टर ठीक है जब हमको सब कुछ पता है सी एफ ओ कौन है कैसा है कहाँ गोल्फ खेलता है कहाँ यू नो कहाँ पर ही डू पार्ट एवरी थिंग दे नो इतना अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है ठीक है वेन यू आर डूइंग बिजनेस विद तो दे बेसिकली थिंक वाई शुड बी लेफ्ट देम ठीक है वाई शुड बी लीव द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ठीक है नाउ देव स्टार्टड आप देखोगे ई वाई का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर है ठीक है दे आर डूइंग इट वेरी एग्रेसिवली यहाँ पर भी यू विल गेट द यू नो द नॉलेज सिमिलर टू रीजनल लाइबी फॉर्म्स ये भी हर एक टाइप से रीजनल लाइबी फॉर्म जैसे ही बिहेव करते हैं वेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ठीक है ग्लोबली शायद इतना स्ट्रांग ना हो बट डिपेंड्स कि किसी रीजन में जैसे इंडिया में ई वाई इज द स्ट्रांगेस्ट वेन इट कम्स टू आई वी ठीक है वेरी रेयर आए वर्ल्ड की के पी एम जी ने कोई डील करते हैं क्लोज ऐसी बात नहीं है बट इतना स्ट्रांग डोमिनेंस नहीं जितना ई वाई का हो सकता है ई वाई का यू नो फिलीपींस में स्ट्रांग डोमिनेंस ना हो फिलीपींस में डेलॉइट का ठीक है सिंगापुर में केपीएमजी का तो जी डिपेंड्स देर इज नो वन ग्लोबल लीडर जैसा यहां पर होता है कि यार पूरे वर्ल्ड में तीन ही सबसे बड़े तीन बैंक हैं ए आई की जैसे ठीक है तो यहां पर ऐसा नहीं होता अच्छा दोनों की सैलरी अगर आप देखोगे तो मोस्टली सेम होती है रीजनल आईबी बी फॉर्म्स में आयरन ही है थोड़ा सा कि वो फोर लाख रुपीज से लेकर के ट्वेल्व थर्टीन लाख रुपीज तक कुछ भी ऑफर कर देता है सर अभी तो आपने बोला था मनी का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता अरे तो मनी का कोई कंस्ट्रेंट इनके पास भी नहीं है ठीक है बट दे ड वॉन्ट टू टेस्ट द वॉटर बोला जाता है ना कि पानी को पहले छू के देखो फिर उसके बाद उसमें कुड्डी मारो डुकी मारो ठीक है कि ज्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म तो नहीं है तो फोर लाख रुपीज़ का पैकेज ऑफर करके पहले वो टेस्ट करा जाता है कि यार जिस बंदे को हम हायर कर रहे हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है दे आर वर्किंग इन अ वेरी स्मॉल टीम साइज उनका टीम का साइज बहुत छोटा होता है दे के नॉट अफोर्ड गलत बंदा नहीं आना चाहिए गलत एक का मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सीधे चार लाख मिलेगा चार लाखम अमाउंट की कोई ग्रेजुएट है जैसे मेरा एक स्टूडेंट था रिसेंटली यूनिवर्सिटीज इन राजस्थान एंड नॉर्मल लाइक बी ए इकोनॉमिक

तो बिलीव मी वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आपकी लास्ट सैलरी का थर्टी परसेंट विल गॉट मतलब अवरीबर से फोर्टीन यू कैन जस्ट अज्यूम कितने कितने टाइम्स का जंप लिया उसने इट ऑल द टाइम लेकिन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई सी एफ लेवल टू लेवल है, तो ग्रेजुएटली छह लाख रुपए तक मिल जाता है सिमिलरली ओवर बिग फोर है उनको एक नाम मेंटेन करना है अपना तो एट टू तो नाइन लाख रुपीज का सैलरी होता है इलेवन तक चला जाता है बट नॉट मोर देन दैट इलेवन इज लाइक अ कैप एक्सेप्शनल केसेस हमेशा हो सकते हैं कोई ए हो गया या कोई नो एक्स्ट्रॉडनरी इंडिविजुअल है तो दैट इज लाइक बट दैट्स लाइक आउट लाइफ वन इन अ मिलियन काइंड ऑफ ए स्टाफ ओके ना हाउ यू कैन बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने सब समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे होता है क्या होता है यू you नो know, क्या रोल्स हैं क्या फंक्शनैलिटी है बट रियल क्वेश्चन आता है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बन सकते हो क्या ये वाकई में इतना ईजी है जितना ईजिली मैंने अभी आपको समझाया है ठीक है एंड मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ ठीक है सो डोंट वरी जस्ट वेट फॉर आर वीडियोज विच विल कम इन फ्यूचर एंड कीप सब्सक्राइबिंग आप समझो सब्सक्राइब करो वो जो घंटी वंटी होती है ना वो बेल बे लाइकन वाइलाइकन वो सब दबा दो ठीक है एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप कई वेबिनार्स हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं जो हम लोग फ्री होते हैं फॉर स्टूडेंट्स बट वी डोंट यूजअली पुट इट ऑन यूट्यूब ओके तो कई बार हम क्यू एन ए सेशन भी लेते हैं तो जस्ट डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी